हेलो एवरीवन, नेमत खाना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ नेमत। आज की रेसिपी है खीर। इस खीर को बनाने में मैंने टेक्निक में थोड़ी सी हेर फेर की है और भुने हुए चावल को इस्तेमाल किया है। इससे ये खीर बहुत ही वेलवेटी और क्रीमी तैयार हुई है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें। हो सकता है इसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने यूज़ किया है कुछ आपके भी काम आ जाए। तो चर्चा होगी कि किस तरह का दूध इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी आंच पर इसे पकाना चाहिए और अगर खीर तले में लग जाए तो क्या करना चाहिए, इसे कैसे मेहमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है, साथ ही इस फ्यूज़न के दिनों में इसे किस तरह से कंबाइन करके हम सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने 60 ml वाली मेजरिंग कप से एक कप शॉर्ट ग्रेन बासमती चावल लिया है। खीर के लिए ये चावल सबसे बेहतरीन होता है और इसमें अपनी एक नेचुरल खुशबू होती है। तो इसे धोकर मैं एक घंटे के लिए पानी में भिगोकर इसे छोड़ देने वाली हूँ। जब तक चावल उधर भीगने के लिए छोड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पर हम तेज फ्लेम पर 1 लीटर दूध उबालने के लिए चढ़ा देते हैं। अब दूध में हम डाल देते हैं 2-3 इलायची और 2 लौंग और इसके साथ ही यहाँ पर एक नज़र हम दूध के ऊपर लगाए रखेंगे क्योंकि दूध को अभी मैंने तेज़ फ्लेम पर रखा हुआ है। जैसे ही बॉयल आएगा हम इसे धीमा कर देंगे। मैंने यहाँ पर सुधा का 1 लीटर दूध इस्तेमाल किया है और उसे तेज़ फ्लेम पर मैंने रखा हुआ है और बीच बीच में हमें इसे हिला देना है, नीचे से चिपकने ना पाए इसके लिए इसे चला देना है। दूध नीचे से अक्सर छोड़ देने पर चिपक जाता है, उससे खीर का स्मेल ख़राब हो जाएगा। एक पैन लें और उसमें 1 टीस्पून घी डाल दें। अब जो चावल को हमने भिगो के रखा था उसे इसमें डालकर थोड़ा सा भून लेना है ताकि चावल सोंधा हो जाए। आमतौर से खीर का चावल हम डायरेक्ट ही दूध में डाल देते हैं, उसे पकाते नहीं हैं, लेकिन इसे भून कर डालने से खीर में इतना ही टेस्ट होगा कि आप दोबारा इसी तरह से खीर बनाएंगे। अब उबलते हुए दूध में चावल को डाल दें, इसमें बॉयल आने दें और उसके बाद फ्लेम को धीमा कर दें। अब इस तरह से लगातार हमें धीमी आंच पर इसे गाढ़ा कर लेना है। देखिए अभी चावल बहुत कम दिख रहा है, ये पकेगा तो खुद बहुत खिल जाएगा। और आप इस तरह से एक बार खीर बना के देखें, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब यहाँ पर कुछ अगर ड्राई फ्रूट्स आपको डालना है तो डाल दें, सिर्फ किशमिश को ना डालें क्योंकि अक्सर किशमिश को इस वक्त डाल देने से दूध फटने के चांस भी रहते हैं। तो थोड़ा सा काजू और बादाम हम यहाँ पर डाल देते हैं, ये साथ में थोड़ा सा गल भी जाएगा और बीच बीच में इस मलाई को खुरच भी लें, इसी से तो इसे गाढ़ापन मिलेगा। और देखिए दाने को आप देख सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये खिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक बार खीर बना के देखें। चावल के भून लेने की वजह से चावल का कच्चापन ख़त्म हो जाता है। 20-25 मिनट से धीमी आंच पर खीर गाढ़ा हो रहा है और अब इसमें खीर वाली कंसिस्टेंसी आ रही है। मैंने बीच बीच में किनारी से इसकी मलाई को खुरच लिया है और इसी तरह से करके इसमें मिला देना चाहिए, इसी से खीर की रिचनेस बढ़ती है क्योंकि यही इसका क्रीम है जो किनारियों पे जाके सूख जाता है। जब भी खीर बनानी हो फुल फैट क्रीम दूध से ही खीर बनाएं। फैट कंटेंट खीर में क्रीमिनेस देता है और टेस्ट भी देता है। फ्रेश दूध इस्तेमाल करें, बचा खुचा हुआ दूध या उसके ऊपर की मलाई खींची हुई दूध या
रीयूज दूध से कभी भी खीर ना बनाएं, इससे खीर में टेस्ट नहीं आता और मलाई उतार लेने से बस पानी ही बच जाता है, जिससे क्रीमिनेस खीर की ख़त्म हो जाती है। अगर खीर तले में जल जाए तो करछी से खुरच खुरच कर उसे खीर में शामिल करने के बजाय बर्तन बदल दें, वरना जले खीर की बू कभी नहीं जाती। एक बार जब चावल में उबाल आ जाए उसके बाद फ्लेम को धीमा कर देना चाहिए और खीर बनाने का सारा प्रोसेस हमें धीमी आंच पर गुनगुनाते ही हुए करना चाहिए, इससे खीर की रिचनेस बढ़ती है। भुने हुए चावल से खीर बनाने पर खीर बहुत ही सौंधी बनती है, जैसा कि पुराने वक्तों में मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब खीर में गाढ़ापन आ रहा है और हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खुद बहुत खीर हमारी थोड़ी पहले से ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम चीनी डालते हैं, लगभग 50 ग्राम चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ और हमारे लिए इतनी मिठास काफ़ी होगी। चीनी हमेशा प्रोसेस के लास्ट स्टेज पर डालें। शुरुआत में चीनी डालने से चावल अकड़ जाएगा और दूध और चावल अलग अलग दिखेगा। तो अब हम इसे उतार लेते हैं और इसे सर्विंग बोल में ढाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने खीर को सर्विंग डिश में निकाल लिया है और ये बहुत ही लज्जतदार, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो इसे एक घंटा सेट करने के बाद मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये ठंडी हो जाए। पिस्ते की कतरन और गुलाब की ताज़ी पंखड़ियों के साथ इसे ठंडी ठंडी सर्व करें या ट्रेडिशनली इसे कुल्हड़ में सर्व करें। अगर टेस्ट में फ्यूज़न चाहिए तो इसे वैनिला आइसक्रीम के साथ सर्व करें, या मौसमी टेस्ट चाहिए तो मैंगो कस्टर्ड के साथ सर्व करें। और खाने के बाद अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें और पसंद आए तो लोगों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करें। नए विजिटर्स हमारे जो हैं वो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।